लाइफ में एक सेकंड की कीमत क्या होती है वो इस वीडियो से बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर इस एक सेकंड के अंदर अंदर अगर घर वाले ना रोकते साई केतन को, तो आज साई केतन घर से बेदखल हो जाते। आज तो साई केतन कटारिया पे बहुत हावी हो जाते हैं, और ये रूप देख करके कटारिया बहुत डर जाता है। उसकी जो शक्ल देखने वाली होती है भाई, जिस तरह से साई केतन उसके पास आता है, ओ माय गॉड। मैटर क्या होता है कि एक टास्क पे कुछ बातचीत चल रही होती है, तो उधर से साई केतन बोल रहा होता है, कुछ अपनी बात रख रहा होता है, तो कटारिया बोलता है भाई आराम से बोल, आराम से। तो साई केतन कहता है भाई आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कटारिया कहता है भाई चढ़ मत, आराम से बोल। तो साई केतन कहते हैं कि चढ़ नहीं रहा हूँ, भौंक मत। तभी कटारिया कह देते हैं अरे तुझे तो मैं देख लूँगा। तब साई केतन गाली दे देते हैं, एंड फिर कटारिया भी गाली दे देते हैं, एंड उसके बाद साई केतन को लगता है बुरा और वो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी घर वाले उसको रोक लेते हैं। सारे घर वाले कह रहे होते हैं नहीं साई, नहीं 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 साई, नहीं। साई केतन बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत भड़क जाते हैं, वो अपना माइक भी निकाल के फेंक देते हैं, चेयर भी उठा के फेंक देते हैं। बहुत 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 बड़ी हाथाफाई हो जाती है अगर घर वाले एंड टाइम पे साई केतन को रोक ना लेते। साई केतन तो बोल रहे थे तू आ, तेरे को मैं मार के बाहर निकल जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू आ। वो देखते हैं बिग बॉस इस एक्शन पर क्या एक्शन लेते हैं। सो यहाँ पे गलती किसकी है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।